अभी अभी पटना जिले के बीटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीनी विवाद में भूमाफिया ने ले ली दो लोगों की जान। नमस्कार, आप देख रहे वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार, पेशे बीटा बिहार से वशिष्ठ कुमार के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती आधी रात को बीटा पुलिस थाने से कुछ ही दूर की दूरी पर रामबाग स्थित मच्चा स्वामी मठ के समीप तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच किशनपुर गांव निवासी रमेश सिंह के पुत्र राहुल कुमार, राजदेव सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार सिंह एवं रामेश्वर सिंह के पुत्र अजीत सिंह अपनी नवनिर्मित चार दीवारी की रखवाली कर रहे थे। अचानक हरबे हथियार से लैस होकर करीब आधा दर्जन लोग धावा बोल दिया, लगे अंधाधुंध फायरिंग करने, जिसमें राहुल कुमार और प्रदीप कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और अजीत कुमार सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके वारदात से फरार हो गया। घटना की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों में दहशत का आलम है। घटना से आक्रोशित लोगों ने देर रात को ही बीटा मुख्य सड़क जाम कर आगजनी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और हमेशा की तरह पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पाकर दानापुर डीएसपी सहित कई थाने के पुलिस पहुंची और आनन फानन में कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और घटना में शामिल अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। वो लोग जबरदस्ती आकर दीवार उबाल हमेशा तोड़ दे रहे थे। इसी मैटर में लोग रात में यहीं पर सोता है, जब बाउंड्री करवा रहा था उसी में लोग सोया हुआ है। लगभग 4 से 5 के बीच में अपराधी आकर इन लोग को सोए हुए में मार कर चला गया है। और एक हमारे ही गांव का अजीत है, उन पर भी गोली चला है, उनको उन पर भी जानलेवा हमला किया गया है, जिनमें जमीन इनके प्रमोद कुमार, उनके भाभी और औरत दोनों का हाथ है, और मेरे गांव का राम व्यास सिंह का हाथ है, और मनेर का सोनू और छोटू और फरार भी है राम व्यास सिंह। सोनू छोटू मनेर का है। हमरा वो मालूम नहीं, हम कैसे बता दें? सूचना कैसे मिला आपको? सूचना मिला 12 बजे रात के, हमको गोतिया के वो जब पुतौ है वही के गेट खटखटा के बोला कि यार पर जो उठी जाती उठी है, वो हमको भैंसूर है उठ के, कौन है? हम निकल ली कि कौन है भाई, तो कल ये चाची खोली जल्दी गेट, जहाँ बाउंड्रिंग मराए था तहाँ का कहा गोली चल गए। अब गोली चल गया, बाहरी छटपटाए गए नी रोड पर, तक कोई कहत बा कि 2 आदमी के गोली लगल बा। अब हमरा प्रदीप हमर नाम लेकर के कहें, हम तो तब से छछन रहल ही। बाउंड्री मतलब जमीन उमीन का ना? नहीं, हमरा अपना जमीन नहीं, कोई लड़का के जमीन है, लड़का साथे मतलब जमीन का मामला था। हाँ, जमीन के मामला था, दूसर कोई के कि कैसे दोस्ती में कहता है कि चलिए सुतिए, जो भी होता था उसमें रहते थे, जानकारी रहते तो उससे पहले हम नहीं मार देते। मतलब किस परिवार में आपको जानकारी कैसे हुआ कि कैसे घटना हुआ, सूचना कैसे प्राप्त हुई आपको? कभी कोई किसी से इनका आपसी विवाद? आपसी विवाद नहीं, जमीन को लेकर। जमीन को लेकर किसी से आपसी विवाद हुआ? ब्यास से जो जमीन खरीदे हुए हैं प्रमोद कुमार उसकी वाइफ सामने। जानकारी आपको कितने बजे मिली थी ये सब हुआ? 12 बजे लिखाए थे, खरीदे हुए थे उनसे, प्रमोद कुमार से। हम लोग उनकी पत्नी आके यहाँ विवाद करती थी, जमीन मेरा हम लोग का डीड हुआ है राहुल सिंह के नाम पर, और उसके बाद हम लोग बाउंड्री मारते थे, लोग बाउंड्री तोड़ देता था। उसके बाद हम लोग थाना के पास गए, तो थाना के पेपर ऊपर अपना दिए हम लोग सब चीज़। तो थाना ये मारपीट का घटना कब हुआ था? मारपीट की घटना हुआ था 2 दिन पहले। अच्छा, कुछ शिकायत भी किए थे क्या थाना में? हाँ, हम लोग थाना में शिकायत भी किए हुए हैं। कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई अब थाना कर रहे हैं अपना हिसाब से। रात में क्या घटना हुई ये बताइए आप। रात में वो लोग आया 6 आदमी और गोली चलाने लगा। कौन लोग थे?
वो लोग तीन आदमी थे, वो दो गो लेडीज लोग, वो एक आदमी और थे ब्यासी से। अच्छा, कितना मौत है? मौत दो हुआ। दोनों का नाम बताइए। राहुल सिंह, प्रदीप सिंह। जो घायल है? अजीत सिंह। उनको कहाँ गोली लगा है? कपार में लगा हुआ है। ये दोनों मृतक का गोली कहाँ लगा है? कपारे में, एक के छाती में लगा हुआ है प्रदीप सिंह का। हाँ। और राहुल सिंह का कपार में लगा हुआ है। बीती रात जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तीन लोगों की हत्या हो चुकी है और एक व्यक्ति घायल। अभी जो है हम लोगों ने आगे घटनास्थल पर रात से जो है वो जाँच की है, जाँचों उपरांत जो है कई तथ्य आए हैं। अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये मामला मूल बात का लग रहा है, लेकिन हम सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं, जाँच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। प्राथमिकी दर्ज हो और अपराधियों को कि कोई किसी की गिरफ्तारी भी इसमें अभी डिटेन किया गया है कुछ लोगों को, लेकिन अभी उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही बताया जाएगा गिरफ्तारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।